ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। इन द फिगर डी एफ जी इज अ स्क्वायर एंड एंगल बी ए सी इज 90 डिग्री। प्रूव दैट ट्राइंगल ए जी एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ सी। देखो ये क्वेश्चन है ना, एग्जैक्टली सिमिलर है क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो मैंने कराया है प्रीवियस। तो ये तो फिफ्थ क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना सिमिलरिटी सीरीज में, जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है ये। देखो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए जी एफ, यानी ये वाला ट्राइंगल जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ इसको, और ई एफ सी यानी ये वाला ट्राइंगल जो मैं पिंक कर रहा हूँ, इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने इन दोनों को किया था, तो बिल्कुल सेम ही है। अब मैं रिकमेंड करूंगा पहले फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेना, फिर फिफ्थ पे आना। चलो मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया इन दोनों को हमें, ग्रीन और पिंक ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, यहाँ पर ये लिखा है। तो देखो सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल, ग्रीन वाले ट्राइंगल में एंगल ए 90 डिग्री है, क्वेश्चन में दे रखा है, और ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर के सारे साइड 90 होते हैं। तो ये हो गया, ये बाहर की साइड भी 90 होगा क्योंकि लीनियर एंगल 180 होता है, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। समझ रहे हो ना, एक चीज एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ मैं। तो ग्रीन वाले ट्रायंगल में एंगल ए और इसमें एंगल ई दोनों 90 डिग्री है, तो एक तो हमें मिल गया एंगल सिमिलर ये दोनों। अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया था कि जी एफ पैरेलल है बी सी के, स्क्वायर है ना, स्क्वायर के तो सामने सामने वाली साइड दोनों पैरेलल होती हैं, तो जी एफ पैरेलल है बी सी के। ठीक है, तो जी एफ, ये वाला जी एफ ये पैरेलल है ये पूरा बी सी के, तो ई सी के भी पैरेलल होगा, तो जी एफ पैरेलल है ई सी के लिख लेते हैं, क्योंकि ट्राइंगल ये दोनों की बात हो रही है, ऐसे तो पूरे के बी सी के पैरेलल होगा। एनीवेज, तो जब ये पैरेलल है तो इस ए सी को, आपको पता है ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे होता है ना, मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन में कि दो लाइनें पैरेलल है और बीच में ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल, एंगल वन और टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और ये बराबर होते हैं। तो ऐसे ही ये जी एफ और ई सी दोनों पैरेलल लाइन है, और इस ए सी को ट्रांसवर्सल की तरह विजुलाइज करो, पैरेलल लाइन के ऊपर ऐसे ट्रांसवर्सल बनी हुई है। तो ये वाला एंगल यानी एंगल एफ और ये वाला एंगल यानी एंगल सी, ये दोनों इक्वल होंगे, एंगल एफ और एंगल सी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल एफ इन ए जी एफ ट्राइंगल और एंगल सी इन ई एफ सी, ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमें एक और एंगल मिल गया, तो इन दोनों ट्राइंगल में हमें दो एंगल मिल गए, एक ये और एक ये, जो इक्वल है। और ए ए क्राइटेरिया से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल पूरे पूरे सिमिलर है, समझ गए? ए क्राइटेरिया हमने दो एंगल प्रूव कर दिए, तो यानी कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर देख लेना, उसमें हमने ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों ऐसे ही सिमिलर किए थे, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं।